भारत हिमालय की ऊंची चोटियों के लिए जाना जाता है। इन सबसे अनजान उत्तर भारत से लेकर पूरब की खाड़ी तक एक पर्वत अपने सीने में एक तूफान को रोके बैठा है। अगर वो तूफान पर्वत का सीना चीर कर बाहर निकला तो पूरी सभ्यता खतरे में पड़ सकती है, और उस तूफान का जिम्मेदार है इंसान। सन 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया। अमेरिका समेत तमाम देश चीन के इस परीक्षण से सकते में आ गए थे, और उन्हें अंदेशा होने लगा था कि चीन आने वाले वर्षों में खुद को ऐसे ही घातक बमों से लैस कर लेगा जिससे शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। इस टेस्ट के पूरे एक साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स की CIA और भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक सीक्रेट मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई ऐसी जगह पर यह मिशन कंप्लीट किया जाए जहां से चाइना के ऊपर काफी नजदीक से निगाह रखी जा सके। वो जगह जहां ये मिशन कंप्लीट किया जाना था उसका नाम था नंदा देवी पर्वत। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। नंदा देवी का चुनाव इसलिए किया गया था ताकि इसकी चोटी से जिन यांग से आगे तक की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। CIA और भारत की IB ने मिलकर ये प्लान आउट किया कि इस पर्वत की चोटी पर एक ऐसा न्यूक्लियर सेंसिंग डिवाइस को इंस्टॉल किया जाए जो चाइना की हर हरकत पर नजर रख सके और भविष्य के आने वाले खतरों से पहले ही सावधान किया जा सके। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और ये विश्व की सबसे स्टीप माउंटेन में से एक है जहां किसी भी पर्वतारोही के लिए इस पर चढ़ना बिल्कुल असंभव है। गढ़वाल और कुमाऊं के लोग इस पर्वत को अपनी कुल देवी के रूप में देखते हैं। उत्तराखंड भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। यहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। गंगा उनमें से एक है जो पूरे उत्तर भारत को जीवन प्रदान करती है। अगर ये नहीं तो समझिए पूरी सभ्यता खत्म। CIA और IB का मेन ऑब्जेक्टिव था दो प्लूटोनियम पावर्ड सेंसिंग एंड सर्वेलेंस डिवाइस को 7800 मीटर की ऊंचाई पर इंस्टॉल करना। इस न्यूक्लियर डिवाइस को इंस्टॉल करने के बाद अमेरिकन एजेंसीज का प्लान था कि इससे हम चाइनीज रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करेंगे जो उनके मिसाइल लॉन्च और ग्राउंड कंट्रोल के बीच में हो रही है। इस न्यूक्लियर डिवाइस का मुख्य काम यह था कि इसकी रेडियो एक्टिविटी की हीट से बिजली को पैदा करना और उस बिजली से सर्वेलेंस डिवाइस को ऑपरेट किया जा सके। इस मिशन की शुरुआत होती है मई 1965 में। इस मिशन को लीड किया था एक भारतीय आर्मी के कैप्टन मनमोहन कोहली ने। कैप्टन ने अपने एक इंटरव्यू में टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि इस न्यूक्लियर डिवाइस को लगाने में क्या मुश्किलें उभर कर आई और कैसे ये उस ऊंचे पहाड़ पर कहीं खो गया जिसकी लाइफ 100 साल से भी अधिक थी। नंदा देवी का मौसम काफी खराब होने की वजह से इसमें सफलता हासिल नहीं हो सकी। मजबूरन वहां सेंसर टीम को वापस आना पड़ा, लेकिन इस बीच में वो न्यूक्लियर डिवाइस वहीं पर छूट गया जो इस मिशन का हिस्सा था। मई 1966 में इस डिवाइस की खोज की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद 1967 और फिर 1968 में इसकी खोज की गई, लेकिन उस वक्त भी इस डिवाइस का कहीं पता नहीं चल सका। अंत में इस डिवाइस की खोज को बंद कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि जिस नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में न्यूक्लियर डिवाइस गुम हुआ वहीं ऋषि गंगा का उद्गम स्थल है जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है।
अभी इसको दफन हुए सिर्फ 40 वर्ष बीत चुके हैं, लिहाजा इसका खतरा अब भी बरकरार है। ये डिवाइस इतना खतरनाक है कि यदि किसी सूरत में यह गंगा के पानी में मिल जाता है तो भयानक तबाही ला सकता है। भारत को यह खतरा 5 दशक पहले नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में गुम हुए उस प्लूटोनियम 238 और 239 से भरे 7 कैप्सूल से है, जो करोड़ों लोगों को कैंसर का मरीज बना सकती है। ये मुद्दा हमारे देश के पार्लियामेंट में कई बार उठ चुका है, पर अब तक कोई भी जांच आगे नहीं बढ़ पाई।